उमरिया जिले के नौरोजाबाद में यहाँ पर स्थित माँ ज्वाला देवी, जो कि यहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष में यहाँ पर प्रसिद्ध है। माँ ज्वाला के यहाँ पर ज्वारा जुलूस बड़ी यहाँ पर भव्यता के साथ काली नृत्य के साथ निकाला गया, जहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु उचेहरा धाम पहुंचकर ज्वारा जुलूस का यहाँ पर दर्शन प्राप्त किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर माँ ज्वाला देवी के यहाँ पर ज्वारा जुलूस समूचे भारतवर्ष में यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। जब जुलूस निकलता है तो यहाँ पर मानव मंदिर परिसर में यहाँ पर लंबी और हरी मखमली चादर ओढ़ ले हो। कोरोना काल के 2 साल बाद जुलूस को देखने को लेकर यहाँ पर भारी तादाद में जनसैलाब उमड़ पड़ा था, और साथ ही जुलूस को देख यहाँ पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा गया। विनय पाठक हूँ मैं, उमरिया से हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? लगभग 12 साल से अपन यहाँ आ रहे हैं। ये जो मंदिर है, क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ महत्व? यहाँ पर माता रानी कृपा से जो इच्छा रखते हैं भक्त उनको प्राप्त होता है। विशेष रूप से संतान लाभ यहाँ पर माता रानी कृपा से होता है, जो मुझे भी प्राप्त हुआ सन 2011 में। और माता रानी जितना आदेश देती हैं वैसा आप करेंगे तो निश्चित सबको लाभ होता है, और श्रद्धा भाव से जो आते हैं उनको मिलता है सब कुछ। कहीं ना कहीं 2 वर्ष मैया के देखे, आज बहुत ही खुशी की बात है। पहले तो हम सभी को राम नवमी की पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। दूसरी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 2 वर्ष के बाद कोविड-19 के कारण जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो हट गया, और भक्तों में काफ़ी उल्लास है। लगभग 5,000 के आसपास कलश स्थापित किए गए थे, जिनका आज व्यवस्थित ढंग से विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, और चारों साइड भीड़ भीड़ दिख रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि माता रानी के धाम में भक्तों को बड़ा उल्लास के साथ जो है कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये जवारा जो हर वर्ष की बात विगत जो आप लोग देख रहे हैं, इनका बाहर का कोई प्लान नहीं, अंदर ही इनके मंदिर परिसर से ही अंदर जो नदी बहती है, तो ये मंदिर के चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, तो उसी परिसर घूमते हुए मंदिर का परिक्रमा करते हुए, ज्वाला माई मंदिर का परिक्रमा करते हुए ले जाएंगे विसर्जित करने के लिए। उसके लिए हमारा पुलिस बल पूरा मुस्तैदी से ड्यूटी में जगह जगह हर जगह विसर्जन स्थल पे और जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, जुलूस के बाएं, जुलूस के दाएं, हर जगह बल लगा हुआ, शांतिपूर्वक माता रानी कृपा से जुलूस सम्पन्न।